रीज़न क्या है यहाँ पे मैं फिर से एंट्री लेने का, करंट प्रोजेक्शन अगर देखे हो तो BRS देखने को मिल रहा है, मेजर ट्रेडिंग जोन के अभाव है, सेंट्रल पिवोट के अभाव है। 15,19,000 प्रॉफिट चल रहा है अभी, 24, 25, 29। हेलो फ्रेंड्स, स्कल्पिंग सीरीज की डे नंबर 71 में आपका स्वागत है। आज का डेट है ट्यूसडे 16 जुलाई एंड टाइम 9:06 हो चुके हैं। चलिए मार्केट विल ओपन अनदर 10 मिनट्स, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे प्री मार्केट एनालिसिस करना चाहूँगा। गाइज, जैसे कि कल हमने बताया था कि ये जो लेवल है प्रीवियस डे टू ट्रेडिंग सेशंस की बॉडी, इसके अबव अगर होते हैं तो हम लॉन्ग साइड जाना प्रेफर करेंगे। और आपने देखा होगा धन में मैंने जितने भी पोजीशंस बनाया था, एक पोजीशन छोड़ के, कि सारे लॉन्ग साइड के थे, यानी कॉल ऑप्शंस को मैंने परचेस किया था। तो आज भी अगर इस लेवल क्या है, 52,200 से 300, इस लेवल को आप मार्क करके रखो, इसके अगर अबव है तो हम लॉन्ग प्रेफर करेंगे, हार्ड डीप में हम लॉन्ग जाएंगे लाइक दिस, ठीक है। और अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाते हैं, ठीक है, इसके नीचे अगर आ जाते हैं तो हम इस तरह की रिट्रेस में शॉर्ट करके चलेंगे और टारगेट रहेगा 51,700-500 के आसपास। तो ये रहेगा इंपॉर्टेंट लेवल्स, 52,200-300। आज स्लाइडली गैप अप ओपन हो रहा है 52,466 के आसपास। तो मार्केट को ओपन होने दो, ओपन होने के बाद अगर नीचे में रिट्रेस लेते हैं इट्स ओके, यहाँ पे भी हम एंट्री लेंगे। अगर मार्केट अपसाइड चला जाते हैं देन छोटा सा रिट्रेस आते हैं तब भी हम एंट्री लेंगे, यानी इस लेवल के ऊपर रिट्रेस में लॉन्ग करके चलेंगे, लेकिन रिस्क को मैनेज करते हैं। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग करके बैठ गया लॉस हो रहा है, नहीं, ये तो ऊपर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको काट देना है, स्कल्पिंग है, आपने देखा होगा लॉस ज्यादा क्यों बढ़ा लेना है। अगर नीचे मिल जाए तो हम फिर से एंट्री लेंगे ना, उतना चार्जेस नहीं जाते हैं। मैंने आपको दिखे 4,000-5,000 जाते हैं, मैंने यहाँ पे 7-8 उससे भी ज्यादा ट्रेड्स ले लेता हूँ, ठीक है, वो भी इन द मनी पे लेता हूँ जिसका ट्रांजेक्शन चार्जेस ज्यादा होते हैं। सो लूजिंग पोजीशंस को ज्यादा होल्ड मत करो, काट दो एंड फिर से आप एंट्री लो, कोई इशू नहीं है। मैं कभी कभी पोजीशंस को होल्ड करता हूँ, वो विनिंग पोजीशंस होते हैं, कुछ क्वांटिटी में निकल लेता हूँ एंड रेस्ट क्वांटिटी को मैं होल्ड करता हूँ, ताकि मुझे जब लगता है कि यहाँ से मार्केट और अपसाइड जाएगा तभी मैं ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश करता हूँ। इट्स ओके, अभी मार्केट को ओपन होने दो, उसके बाद हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। इट्स ओके, मार्केट को अभी ओपन होने दो, ऑलरेडी हम मार्क करके सारे चीज़ें रख दी हैं एंड यहाँ पे कॉल साइड के लिए 52,300 का एक कॉल यहाँ पे हमने लगा भी दी है, क्योंकि सुबह का जो मोमेंटम है ना, ओपनिंग मोमेंटम, उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क है। जहाँ पे प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी है वहाँ पे रिस्क का भी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन आपको रिस्क को लिमिट करते हुए ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ऐसा नहीं है होप में बैठे रहे हो, पोजीशंस को होल्ड करते रहे हो। मैं तो कहूँगा बिगिनर्स मत कीजिए स्कल्पिंग, आप सिंपल एंजल वन के साथ जैसे हम ट्रेड लेते हैं वैसे डेली बेसिस दो ट्रेड्स लेते हैं, उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप ट्रेड्स ले सकते हो, उस सीरीज को आप जरूर फॉलो करें, ठीक है। जैसे एक मिस्टेक हुआ बेसिकली, यहाँ पे देखिए एक एंट्री लिया गया था 10 पॉइंट SL लेके, मैंने एग्जिट कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने ट्रेड ले रहे थे एंजल वन में एंड उसी टाइम एक बड़ा सा मूव आया, तो मैंने यहाँ पे हड़बड़ी में दो बार क्लिक हो गया, तो देखिए 1000 के जगह 2000 क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो गया था, तो इसीलिए मैंने जल्दबाजी से एग्जिट किया। और अभी देखिए कहाँ पे मिल रहा है, मार्केट ऑलरेडी नीचे आ चुका है, जो मार्केट तो ऊपर में सस्टेन कर रहा है। देखो पहला कैंडल में रिजेक्शन, उसके बाद भी देखिए बोथ साइड रिजेक्शन बन रहा है, मार्केट किस तरफ जाएगा थोड़ा इंतजार करना चाहिए। इस कैंडल पे मैंने एंट्री लिया था और इसी में एक्सिट कर दिया, थोड़ा इंतजार करना चाहिए इस तरह की सिचुएशन में। अभी देखो मार्केट, वन मोर ट्रेड एक्सिक्यूट करूँगा या चलो 510 क्वांटिटी के साथ एग्जीक्यूट किया गया है एंड इसको थोड़ा लेस क्वांटिटी के साथ ही मैं इसको अभी होल्ड कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मुझे लॉस होंगे 6,000-7,000। ओके, आने दो ओपनिंग प्राइस को टेस्ट एंड 500 क्वांटिटी है ना, उसको मैं फिर से यहाँ पे एंट्री लूँगा। रीज़न क्या है यहाँ पे मैं फिर से एंट्री लेने का, करंट प्रोजेक्शन अगर देखे हो तो BRS देखने को मिल रहा है, मेजर ट्रेडिंग जोन के अभाव है, सेंट्रल पिवोट के अभाव है एंड आज के दिन का जो ओपनिंग प्राइस है अभी तक उसने ब्रीच नहीं किया और उन्हीं के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, ताकि छोटा स्टॉप लॉस रख पाऊँ, छोटा सा अगर लॉस होते हैं तो एग्जिट करके निकल जाऊंगा, ज़्यादा लॉस नहीं लेना है, 15,000 समथिंग लॉस में ले सकता हूँ यहाँ पे एंड उसके बाद एग्जिट करना है। और अगर मार्केट यहाँ से जंप करते हैं ना, सपोर्ट लेते हैं, तो बड़ा प्रॉफिट बन सकता है, थोड़ा होल्ड भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये मूव करने के लिए यहाँ तक स्पेस रहेगा, ठीक है, यहाँ तक टारगेट रहेगा फिर से, तो मैं उसको होल्ड भी कर सकता हूँ, लेकिन इसको सस्टेन करना ऊपर में बहुत ज़रूरी है, जिस तरह की करंट प्रोजेक्शन दिख रहा है।
19,000 प्रॉफिट चल रहा है अभी, 16, 21, ऊपर में 24, 25, 29, 31, एक्सिट करते हैं अभी। कुल मिला के अभी देखिए 1 लाख से भी ऊपर आ चुका है। इस ट्रेड में भी 27,000 के आसपास हमने बनाया, 337 पे एंट्री लिया गया था, हम 364 पे एग्जिट, 30 पॉइंट का टारगेट अबाउट। सो ये अच्छा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैं उतना बड़ा रिस्क नहीं लेता गया, इस थोड़ा सा ही रिस्क आते मैं एग्जिट कर देता हूँ, मैक्सिमम 15,000, तो एग्जिट करने में 20,000 हो सकता था। अभी देखो फिर से रिजेक्शन, अभी मैं इंतजार करूँगा क्योंकि आज मौका मिलने वाला है, आज है एक्सपायरी, तो हो सकता है कि आज मैं थोड़ा बहुत ट्रेड ले लूँ, वो बेसिकली बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन ही होता है, इससे ज़्यादा मैं कभी भी ज़्यादा ट्रेड नहीं लेता। कहाँ तक आ गया, 311 हमने कहाँ पे एग्जिट लिया था, 364 के आसपास लिया था। एग्जिट लेना भी एक कला है जो आपको ऑप्शन बाइंग में हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए, बट देखिए बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेट हो गया, अदरवाइज इस पॉइंट पे मैं एंट्री लेता, लेकिन क्वांटिटी कम हो जाता है यहाँ पे 510, क्योंकि करंट प्रोजेक्शन बियरिश है। मार्केट देखो पहला कैंडल, ठीक है, एक मिनट का जो भी हाई बनाया था ना, उसके बाद रिजेक्शन क्लोजिंग, उसके बाद नहीं आया है किसी भी कैंडल का, तो करंट प्रोजेक्शंस बियरिश है, उनके अगेंस्ट में हम इसलिए हैं क्योंकि प्रीवियस मेजर ट्रेडिंग जोन जो कि ए है, ठीक है, इसके अबव मार्केट सस्टेन कर रहा है। करंट प्रोजेक्शन भी अगर हमारे साथ होता कि मेजर जोन सेंट्रल पिवोट यहाँ पे है, मूविंग एवरेज भी नीचे है एंड मार्केट हायर हाई बना के चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, थोड़ा सा डिप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, थोड़ा सा अब मूव फिर डिप, ओके 314, डर लग रहा है, डर इसीलिए लग रहा है कि करंट प्रोजेक्शंस ऊपर से देखिए कितना फॉल हो गया, यहाँ से कितने पॉइंट का फॉल, यहाँ पे आप देखो लगभग 161 पॉइंट। आज तो मुझे लग रहा है कि बड़ा मूव होने वाला है, तो लॉस ज़्यादा नहीं करना है, किसी भी साइड आप लो एंट्री नहीं कर पाया एंड बढ़िया फॉल देखने को मिल रहा है। एक ट्रेड मैंने लिया था, लेट मी शो यू, 3000 प्रॉफिट लेके मैंने निकल गया एंड लेट मी शो यू द ऑर्डर बुक। ये देखिए यहाँ पे 9:52 में एंट्री लिया गया था एंड 52 में मैंने एग्जिट कर दिया, ओके रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इट्स ओके। अभी देखिए ये नीचे आ चुका है, बट मैं यहाँ पे कोई पुट साइड तो नहीं जाने वाला हूँ एंड मेरे हिसाब से मार्केट सपोर्ट ले सकता है यहाँ पे। बार बार मैं कोशिश क्यों कर रहा हूँ कॉल साइड, क्योंकि प्रीवियस मेजर ट्रेडिंग जोन के अबव है मार्केट, हालांकि करंट प्रोजेक्शंस के अगेंस्ट में है, सो इसलिए उतना कॉन्फिडेंस भी मिल नहीं रहा है, तो थोड़ा सा लॉस होंगे तो मैं एग्जिट करूंगा, अदरवाइज यहां से सपोर्ट अगर मिल जाए बड़ी कैंडल के थ्रू तो वेल एंड गुड, ओके थोड़ा सा प्रॉफिट तो हो रहा है, कुल मिलाकर ओवरऑल प्रॉफिट आप देख सकते हो 1,22,000 हो चुका था, 18, 19, 40,000 आ चुका है देखिए प्रॉफिट। डर लग रहा है तो चलो डर में क्यों रहना है, अब करते हैं एग्जिट, 42, 42, ओह एग्जिट कर दिया गाइस, क्या हुआ है देखते हैं, 237 फिर भी 10 पॉइंट लेके हमने निकला इस ट्रेड में एंड थोड़ा सा यहाँ पे 10,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ है। ये देखिए हमने एग्जिट कर लिया, उसके बाद देखो 247 के बाद अभी 264 मिस हो गया मैंने एग्जैक्ट, बड़ा रिजेक्शन, रिजेक्शन तो होना चाहिए क्योंकि प्रीवियस मेजर ट्रेडिंग जोन जिस प्राइस में बार बार बाइंग देखने को मिल रहा था उसी प्राइस पॉइंट को टेस्ट कर रहा है, तो लोग तो जम करेगा ना, वहाँ पे देखिए प्राइस रिजेक्शन ले रहा है, लेकिन करंट प्रोजेक्शन बियरिश होने के कारण मैंने यहाँ पे कॉन्फिडेंस से होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, अदरवाइज अगर ये पोजिशन होल्ड किया होता तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट अभी 1,50,000 हो सकता था। कोई इशू नहीं है, स्कैल्पिंग है, ज़्यादा हम रिस्क तो नहीं लेंगे, लॉसेस होगा तो काटना पड़ेगा, इसलिए ट्रेड नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा हो सकता है। सही एंट्री लिया गया था, एक बड़ी मिस्टेक यहाँ पे, ये जो स्विंग था ना, ये स्विंग जरूरत था मेरे, इस टाइम होल्ड कर सकता था, मिस्टेक हो गया। फिर से देखिए प्राइस आज के दिन का ओपन प्राइस से अब आवाज होगा, छोटा सा बॉडी बन रहा है देखिए, थोड़ा सा इंतजार करता हूँ। अभी देखिए इसने लो लगाया था 237 से, अभी 3120 मतलब 100 पॉइंट का मूव प्रीमियम में,
सो गाइस अभी टाइम देख सकते हैं 10:04 एंड यहाँ पे फोमो में मैंने एंट्री नहीं ली और अभी कहाँ पे मिल रहा है 263। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देख सकते हैं सेंटिमेंट तो बुलिश है बट वन डे टाइम फ्रेम में अगर देखें तो बोथ साइड रिजेक्शन एंड ओपनिंग प्राइस के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं, बेसिकली एक इंडिसिशन कैंडल है। ओके तो क्या करना चाहिए, करंट प्रोजेक्शंस बीआरएस है एक रेंज पे फंसा हुआ है 52,200 एंड 52,600, जब तक ये दोनों लेवल की ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना हो तब तक यहाँ पे ट्रेड करना मुश्किल हो सकता है। करंट प्रोजेक्शंस बीआरएस है बट मेजर ट्रेडिंग जोन के अबव है, मूविंग एवरेज के भी अबव है तो इसलिए ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एंड ऑलरेडी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, मोर देन 1 लाख, तो अभी मैं और कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मेरा जो यहाँ पे व्यू है वो बुलिश है जब तक 52,200 के बिलो ना आ जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखते हुए हमको ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। और अगर आपको ये जो कोर्सेस है बिल्कुल फ्री में चाहिए तो आप हमारे लिंक के थ्रू, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। जरूरत हमें भी फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो अगर आपका एज बिलो 25 है, ओके, या फिर आप अपना फैमिली मेंबर का भी अकाउंट ओपन करा सकते हो। सो आफ्टर अकाउंट ओपन उसमें एक ट्रेड कीजिए, अकाउंट एक्टिवेट हो जाने के बाद इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए तो हमारे टीम आपको प्रोवाइड करेगा कोर्सेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस कोर्सेस आर नॉट फॉर सेल, तो परचेस मत कीजिएगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर, बाय बाय।